गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम ने सेवन चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट किए थे। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डेट एंड डायमेंशन करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द यंग वंस ऑफ अ काउ कॉल्ड? काउ के बेबी को, यंग वंस को हम क्या कहते हैं? काफ। व्हाट इज द यंग वंस ऑफ अ बीच कॉल्ड? बीच यानी कि जो डॉग का जो फीमेल जेंडर होता है उसे हम बीच कहते हैं। तो बीच के यंग वंस को हम क्या बोलते हैं? पपी। नेम टू एनिमल्स दैट ले एग्स, ऐसे दो एनिमल्स के नाम बताने जो एग ले करते हैं, फिश एंड बर्ड। नेम टू एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे दो एनिमल्स के नाम बताने जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, काउ एंड बीच। हु आर मैमल्स, ये क्वेश्चन हम हमारी नोटबुक में करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ दिस ले एग्स, इनमें से कौन सा जो है एग ले करता है? बर्ड्स, फिश, टर्टल्स, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों एग ले करते हैं, इसीलिए हम यहाँ ऑल ऑफ दिस पर टिक करेंगे। द चाइल्ड हु इज अडोप्टेड इज कॉल्ड, ऐसा चाइल्ड जिसको अडोप्ट किया हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, रिगलिंग, अडोप्टेड, किकिंग, एग्स, मदर्स, ये सभी वर्ड्स आपको यहाँ ब्लैंक्स में फील करने। ए मदर कैन फील द बेबी एंड इनसाइड हर बॉडी, एक मदर जो होती है अपने बेबी की क्या क्या चीज़ें फील कर सकती है? किकिंग एंड रिगलिंग। ए ह्यूमन बेबी ग्रो इनसाइड इट्स वॉम, जो ह्यूमन बेबी होता है वो कहाँ ग्रो होता है? वो होता है मदर्स वॉम में। एंड अडोप्टेड चाइल्ड इज लव्ड एंड टेकन केयर ऑफ बाय देयर फोस्टर पेरेंट्स एज देयर ऑन चाइल्ड, एक अडोप्टेड जो चाइल्ड होता है उसको प्यार और उसकी केयर करते हैं। कौन करते हैं? फोस्टर पेरेंट्स करते हैं, और ऐसे करते जैसे कि उनका खुद का चाइल्ड हो। यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स, यंग वंस जब हैच आउट होते, यंग वंस कहाँ से हैच आउट होते हैं? एग्स से। तो हमें यहाँ एग्स लिखना है। ये सभी बुक एक्सरसाइज आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी ईवीएस की बुक में करनी। थैंक यू।